हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शोभा तिवारी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़े हुए हैं, छोटे क्लास में पढ़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, क्या है इक्वेशन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि नाइन्थ क्लास में बस आपको ज़्यादा नहीं है, सिंपल इक्वेशंस के बारे में ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो x का जो कोफिशियंट होगा उसको हम a से प्रेजेंट करेंगे, y के साथ जो कोफिशियंट होगा वो b से, और जो कांस्टेंट होगा c से। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, ये x एंड y जो है ये टू वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों के जो डिग्री है वो वन है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर भी है। तो जैसे हम एक्सरसाइज आप नोट कर लें, एक्सरसाइज 4.1 की बात करें, एनसीईआरटी 4.1 जो न्यू वाली बुक आई है उसकी उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन से क्या है, ट्वाइस है, पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ले लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक नोटबुक है और एक पेन है। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को दो वेरिएबल से शो करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स कर लिए एंड कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है। तो नोटबुक का कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नोटबुक का कॉस्ट क्या है, एक्स है, और किसके ट्वाइस है, पेन के ट्वाइस है। तो ये पेन का कॉस्ट रहा, इसको हम ट्वाइस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। ओके, तो हम 2y को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो पहले मैंने बताया कि ए जो है वो एक्स का कोफिशियंट है, बी वाई का कोफिशियंट है एंड सी जो है वो कॉन्स्टेंट पार्ट है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशंस को पहले सेंट फॉर्म में लिखना है एंड देन हमें ए बी सी का जो वैल्यू है बताना भी है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में लेती हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है। तो ये जो c कॉन्स्टेंट पार्ट है वो इज इक्वल टू किस तरफ में है, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में, हम इसको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मैंने पहले बताया था x का कोफिशियंट a, y का कोफिशियंट b एंड जो कॉन्स्टेंट है सी है। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं x के साथ क्या है, 2, x का कोफिशियंट 2 है, दैट मीन फॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b कोफिशियंट ऑफ y दैट इज b इज इक्वल टू 3 एंड c जो कि कॉन्स्टेंट पार्ट है माइनस 9.35, तो c इज इक्वल टू माइनस 9.35। तो ये ए बी सी का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है इसका।
x minus y upon में 5 minus 10 is equal to 0. तो यहाँ पर x के साथ x का जो कोफिशियंट है वो क्या है, 1 है. y इसको मैं एक बार एक स्टेप और लिखती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. x minus 1 upon sorry 5y minus 10 is equal to 0. तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा x का कोफिशियंट a क्या है, 1. b का कोफिशियंट दैट मीन्स सॉरी b y का कोफिशियंट है दैट मीन्स minus 1 upon 5 and c is equal to minus. होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट फिर हम थर्ड फोर्थ पार्ट करते हैं, आपको नोट कर लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर टू थर्ड पार्ट. माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6. यहाँ पर भी जो कॉन्स्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है, हम इसको लेफ्ट में ले आ जाएंगे. तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स का कोफिशियंट माइनस 2 है दैट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 3 है, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 6. ए बी सी का वैल्यू. देन फोर्थ पार्ट, x इक्वल टू 3y. सेम इक्वेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ था जो नोटबुक एंड पेन वाला क्वेश्चन था. तो इसमें भी 3y को हम सिर्फ ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि c का वैल्यू क्या होगा, है ना. तो x का कोफिशियंट तो a है, y का है, जब कॉन्स्टेंट आपको नहीं दिख रहा है कुछ नहीं तो आप 0 डालेंगे. तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहां से मिलता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 0. नोट कीजिए. नाउ टू क्वेश्चन नंबर 5. 2x is equal to minus 5y. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5y में तो शिफ्ट करेंगे तो 2x plus 5y is equal to 0 and 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. इसलिए मैं फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 0. सिक्स नंबर, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, 3x है कॉन्स्टेंट दिख रहा है पर y का पार्ट में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हम y का खुद से डालेंगे इसमें. कैसे करेंगे, 3x प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई y डॉट मीन्स मल्टीप्लाई प्लस 2 इज इक्वल टू. सेवन और एट रहता है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सेवन नंबर, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आप देखिए अब x का टर्म नहीं है यहाँ, तो हम खुद से डालेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. या a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2. सिमिलरली लास्ट वन दैट इज 8 नंबर, 5 इज इक्वल टू 2x. सबसे
इसको फ्लिप कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हम फ्लिप कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 5, हमने जस्ट फ्लिप किया, एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ y टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा, तो जस्ट हम y के जगह पर 0 पुट कर लेंगे, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देन यू गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 and c is equal to -5.